आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन्स। एक बात मैंने मैसेज अभी किया आप लोगों को कि 9:30 पे क्लास लॉक्ड हो जाएगी, उसके बाद कोई और स्टूडेंट एंटर नहीं होगा, इसलिए अब इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि वो पूरे लेक्चर में बार बार मुझे ज्वाइन ज्वाइन करना पड़ता है, उससे कंसंट्रेशन जो है टॉपिक से हट रही होती है। ओके, पावर फेलियर से इंटरनेट स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर को देखिएगा। ओके, आज हम अल्किन से बात करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस क्लास के लेक्चर के बारे में, तो वो अपना हैंड रेस करे, मैं से क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक दो मिनट का वेट कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल किसी का है तो वो अपना हैंड रेस करे, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ और उसका सवाल ले लेता हूँ। ओके, होमवर्क डिस्कस कर लिया जाए, मेरे ख्याल से क्या ख्याल है? बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर की को डिस्कस कर लेते हैं, ये बेहतर है ना? ओके, या क्या कह रहे हैं आप, मुझे कुछ रिप्लाई करें। ओके बेटा, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मुझे प्रीवियस स्लाइड में जाना पड़ेगा अपनी। हमने अल्केन पेज नंबर 124। ओके, मैं बेटा आंसर सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ, आप जरा उसको देख लीजिएगा कि आपने क्या यही नेम लिखा है। चलो मैं लिख देता हूँ साथ में ना। अभी मैं पहले फर्स्ट वाले को नेम कर रहा हूँ, ठीक है? इस फर्स्ट वाले का नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम है टू मिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आपको उसी अंदाज से करना है कि पहले इसको ओपन करना है, चेन मार्क करनी है, ब्रांच मार्क करनी है, नंबरिंग करनी है और फिर नेम लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा वर्बली कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड वाला जो है उसका नेम है 2.2.3 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें हम इस इथाइल को ओपन जब कर देंगे तो ये चेन का पार्ट बन जाएगा, ये CH2 CH3। जब हम कर देंगे तो ये बेंट हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। इसका नेम होगा 2,3-डायमिथाइल पेंटेन। नहीं बेटा, LMS पे होगी, आप उसको फिर किसी से ऑफिस में कल कॉल करिएगा, बताएंगे। इन्होंने रिकॉर्ड लेक्चर डाल दिया था, आपको नहीं नजर आया, तो वहां पे आप उससे कांटेक्ट करें ऑफिस में। एडमिन साइज तो ऑफ होगा और कल ही मालूम करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि हम क्लास अपलोड नहीं करते हैं, डेली क्लासेस अपलोड होती हैं। ओके, फोर्थ वाले पे हम बात करते हैं। फोर्थ में ये कॉर्नर का इथाइल को ओपन करेंगे तो ये चेन हमारी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, यूं CH3 हो जाएगा ये, और ये CH2 है। लॉन्गेस्ट चेन मार्क कर लें तो यूं बेंट आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 पे पहली ब्रांच है, ये 3 है, ये 4 है, 5 और 6 है। अब इसका नेम होगा 2,2,3,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट है, मुझे एडमिन से भी मैसेज किया, ज्वाइन किया वेस ने, सर वेस ने, और वो कह रहे हैं सर आपकी कल की क्लास अभी तक LMS पर शो हो रही है, वाली आपके जो क्या नाम है डिवाइस है उसका प्रॉब्लम होगा, अभी तक वो वहां पे अपलोड है, मौजूद है, हमने इसको डिलीट नहीं किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेस।
अब हम आते हैं फाइव पे। इस फाइव का नेम क्या होगा? इसको थोड़ा मैं ओपन कर लूं। सी एच थ्री टेकिंग ट्वाइस है, ये होगा सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री, देन थ्री टाइम सी एच टू सी एच थ्री एन सी एच थ्री। ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, दो ब्रांचेस हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, किसी एंट्री नंबरिंग हो सकती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हैप्टेन है। तो इसमें नेम होगा इसका 2,6 डायमिथाइल हैप्टेन। ठीक है, मैंने कहा था कि हैप्टेन जो मॉलिक्यूल फार्मूला है उसके आइसोमर्स 9 बनाने के बाद उसके भी आईयूपीएसी नेम लिखिएगा। अगर आपने होमवर्क किया है तो फिर आपकी लर्निंग सही हो रही है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया है, पेंडिंग में डाला हुआ है, इग्नोर किया इसको, तो बेटा आगे आपको बहुत डिफिकल्टी होगी और फिर उसके बाद मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, जब हम बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत स्टेप्स आगे मूव कर जाएंगे, तो फिर बैक मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप वक्त के साथ चीजों को याद करते जाएं। अल्केन हमने मुकम्मल कर लिया, ये हमारा बिल्कुल बेसिक था, आज हम अल्कीन और अल्काइंस करेंगे। अल्कीन और अल्काइंस, ओके। अल्कीन्स, हाइड्रोजन लेगा अल्कीन। अल्कीन को शुरू में ऑलिफेंस कहते थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बात पूछी जा सकती है, इसलिए मालूम होना चाहिए। अल्कीन्स आर कॉल्ड ऑलिफेंस। इस वर्ड की मीनिंग क्या है? इट मीन्स टू मेक ऑयल। ऑलिफेंस मीन टू मेक ऑयल। क्यों ये वर्ड सजेस्ट किया गया अल्कीन्स के लिए? इस फैमिली को नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस फैमिली के जो लोअर मेंबर्स हैं, जब वो क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए इन कंपाउंड को ऑलिफेंस कहते थे। आज हम अल्कीन कहते हैं। ठीक है, अल्कीन की डेफिनेशन मौजूदा जो है वो डिफरेंट है। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हम अल्कीन को जो डिफाइन करते हैं तो ये उसकी डेफिनेशन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उसमें कम से कम एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, वो डाइईन हो जाएगा। अल्किन्स कौन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो लव्स यूज किए हमने। अनसैचुरेशन मीन पाई बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड। कंपोजिशन क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। अल्किन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्किन्स का जनरल फार्मूला क्या है इस फैमिली का? CnH2n। मैं इस फैमिली के मेंबर्स लिखवाते हुए आपको ये फार्मूला लिखवा चुका हूं। CnH2n, या n की वैल्यू, n इज अ होल नंबर, लेकिन वो नंबर टू स्टार्ट होगा, एक कार्बन का अल्कीन नहीं होता है। अल्कीन के नेमिंग में जब हम पैरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन के साथ हम सफिक्स इन लगाते हैं, जैसे 5 कार्बन पेंटा, तो हम पेंटीन लिखते हैं उसको। पेंटा मीन 5, ए ड्रॉप करके सफिक्स इन लगा देते हैं। इस बात को याद रखना है कि ये सफिक्स ऐड कैसे होता है। वर्ड है पेंटा मीन 5, इन मीन डबल बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ कार्बन के साथ ऐड होने वाला सफिक्स वॉवल से स्टार्ट होता है तो ये ए ड्रॉप कर देते हैं, ये बन जाता है पेंटीन।
और अगर दो डबल बॉन्ड हैं, फाइव कार्बन में दो डबल बॉन्ड है, पेंटा और टू डाइईन है, दो डबल बॉन्ड है, अब सफिक्स जो है वो वॉवल नहीं बल्कि डी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ए रिटेन रहेगा, इसका नाम क्या होगा, पेंटा डाइईन। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये बात याद रहेगी आपको, ए रिटेन करना है, ए ड्रॉप करना है, पेंटीन एंड पेंटाडाइन। पेंटीन मीन फाइव कार्बन विद अ डबल बॉन्ड, पेंटाडाइन फाइव कार्बन हैविंग टू डबल बॉन्ड्स। अब वो डबल बॉन्ड कहां पे है वो भी लोकेट करने होते हैं, तो वो नंबर से किए जाते हैं। अभी सिर्फ मैंने सफिक्स समझाया इन क्या होता है। ओके, अल्किन्स के जो मेजर रिएक्शंस हैं उनमें पहला है एडिशन रिएक्शंस। अल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट कौन सा है, एडिशन। अल्किन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, और हम एग्जांपल लेंगे ईथीन की। तो ईथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखिएगा तो मेजर रिएक्शन कौन सा है, एडिशन। अल्किन्स एडिशन क्यों करते हैं, अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो वो एडिशन रिएक्शन करेगा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम है, उसमें बॉन्ड मल्टीपल है, डबल हो गया है, तो इसलिए उसकी केमिकल एक्टिविटी डबल बॉन्ड पे होती है, बॉन्ड टूटता है और एटम्स आके ऐड होते हैं, तो एडिशन रिएक्शन इसका मेजर रिएक्शन होगा। इसके बाद कंबस्टन रिएक्शन भी अल्किन्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका कॉज क्या है कि ये हाइड्रोकार्बन है। अल्किन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए ये एडिशन भी कर रहे हैं और कंबस्टन भी कर रहे हैं। थर्ड है पॉलीमराइजेशन। अल्किन की पॉलीमराइजेशन में हमने ईथीन से पॉलीथीन पढ़ा हुआ था पॉलीमराइजेशन के टॉपिक में। ये तीन इसके मेजर रिएक्शंस हैं जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन मीन ईथीन में हम स्टडी करेंगे। अब इसका सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर कैसा होता है अल्किन्स में। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड मीन डबल बॉन्ड मस्ट है, लॉन्गेस्ट चेन इसके अलावा हो ही नहीं सकती है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्गेस्ट चेन हम बात करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन फोर कार्बन की है, लेकिन ये फोर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आप कंसिडर नहीं कर सकते, ये भी फोर कार्बन मैंने मार्क किए हैं। उसमें स्ट्रक्चर में पॉसिबल चेन बहुत सारी हो सकती हैं, हमें लॉन्गेस्ट मार्क करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन जिसको आप लॉन्गेस्ट कहेंगे उसके लिए जरूरी है इट कंटेन डबल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन इसके अलावा नहीं हो सकती है। लॉन्गेस्ट चेन हमेशा वो होगी जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए, मल्टीपल बॉन्ड पाया जाए, तो इसलिए आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये है। जब ये लॉन्गेस्ट चेन है तो ये हमारा ग्रुप क्या हो गया, अल्काइल ब्रांच कहलाएगा। अब इसकी नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड को देखते हुए, ये फर्स्ट कार्बन पे है, सेकंड पे ब्रांच है, थ्री और फोर, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, टू मिथाइल वन ब्यूटीन, इसका नाम है टू मिथाइल वन ब्यूटीन। यहां तक जितना भी वर्क है इसको कॉपी कर लो, और ये जो नॉमनक्लेचर है अब इनको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। ये एक मिसाल दी है, एग्जांपल दी है कि हमें नॉमनक्लेचर करनी है, तो हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमें इसका नेम करना है, हमने पहचान लिया ये अल्कीन है, अल्कीन है, तो वो जो सर बात सुनो, अगर हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड सिर्फ मौजूद है तो वो अल्कीन कहलाता है, अगर उस हाइड्रोकार्बन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्किन कहलाएगा, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो पैरेंट चेन अल्काइन कहलाएगी। तो चेन तीन किस्म की होती हैं, कार्बन टू कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन टू कार्बन कैटिनेट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अल्केन कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्कीन होगा, और उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन टू कार्बन कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन की चेन कहलाती है, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो तो फिर क्या कहलाएगा, कार्बन
कार्बन टू कार्बन लिंकेज जो है वो बाय सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन लिंकेज बाय डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन लिंकेज बाय ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट चेन इज अल्केन, सेकेंड इज अल्कीन, थर्ड इज अल्काइन। फर्स्ट का नाम क्या है? पेंटेन। सेकेंड का नाम क्या है? टू पेंटीन। थर्ड का नाम क्या है? टू पेंटाइन। और अगर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है, तो उस चेन को भी हम अल्कीन कहते हैं, अल्कीन। और साथ में सुफिक्स आइन ऐड करते हैं, पैरेंट चेन वो अल्कीन कहलाएगी। ये वाली बात आज लास्ट टॉपिक में, लास्ट पॉइंट होगा हमारा, उसमें डिस्कस करेंगे। तो पैरेंट चेन जो है अल्केन की होती है, अल्कीन अल्काइंस, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो पैरेंट चेन का नाम अल्कीन होगा, और साथ में एक सेकेंडरी सफिक्स ऐड करेंगे आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो हमने अल्केन जो है, अल्केन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे इसकी, अल्कीन की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्काइंस को, और फिर हम बात करेंगे ऐसी चेन की जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो, और टॉपिक इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल करेंगे। ये एग्जांपल कॉपी करने के बाद आइए अब हम रूल्स को स्टडी करते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, और हमें इसका आईयूपीएसी नेम करना है। तो हमें रूल्स को समझना है, एक स्ट्रक्चर की मिसाल लेकर हम बात करते हैं। रूल नंबर वन क्या होता है? रूल नंबर वन, सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप वन या रूल नंबर वन, स्टेप वन में क्या करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन मार्क करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। इस चेन को हम पैरेंट चेन कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे कंपाउंड की जो रूट है वो क्या है, स्टेम क्या है उसका, तो इसलिए हम चेन पहले मार्क करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी होगी, विच कंटेन अ डबल बॉन्ड। इसके अलावा कोई भी चेन जो है वो लॉन्गेस्ट नहीं हो सकती। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, बेटा मुझे बताइएगा इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। CH3, CH2, C, डबल बॉन्ड CH2, CH2, CH3। मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसको कॉपी करो और इसमें बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। गुड, बहुत अच्छे अंदाज से आप बातों को समझ रहे हैं। गुड, यस बेटा ठीक है, थैंक यू। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है। लॉन्गेस्ट चेन अगर सब कहे ना, लॉन्गेस्ट चेन, साकिब आप सही नहीं कह रहे, लॉन्गेस्ट चेन अगर हम कहें तो वो तो 5 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ लॉन्गेस्ट नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन वही होगी जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अगर ये मैं मार्क कर रहा हूं तो ये लॉन्गेस्ट तो है लेकिन इसमें किसी कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो ये लॉन्गेस्ट नहीं हो सकती। लॉन्गेस्ट चेन में उन दो कार्बन का आना जरूरी है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड हो। तो आप लॉन्गेस्ट चेन मार्क कर सकते हैं यू बेंड करके, ये बेंड कर दी मैंने, तो ये हमारा ग्रुप जो है ये क्या कहलाएगा, इथाइल कहलाएगा। मैं इसको इरेज करता हूं, दोबारा लिख देता हूं। मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, CH3 बॉन्ड CH2, सी डबल बॉन्ड CH2, CH2 एंड CH3। हमें यहां की लॉन्गेस्ट चेन बतानी है, तो लॉन्गेस्ट चेन में इन दो कार्बन का आना जरूरी है। इसके बाद बेंड कर जाए लेफ्ट पे या राइट पे, ये आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे राइट पे बेंड कर गए तो ये चेन मार्क हो गई। कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 से डबल बॉन्ड बनाया, 3 और 4। कार्बन नंबर 2 से एक लिंक निकल रहा है, एक ब्रांच निकल रही है, उसको हम इथाइल कहते हैं।
इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें बेटा और इसका नेम लिख लें। इसका नाम बनेगा टू इथाइल। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम करते हैं। आईयूपीएसी में सबसे नाम पहले किसका आता है? प्रीफिक्स में, जो उसके अंदर अल्काइल ग्रुप होता है, जो उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है। टू इथाइल, वन ब्यूटीन। ब्यूट का मतलब है फोर कार्बन। फोर कार्बन के कार्बन नंबर वन पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर वन पे डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर टू पे एक ब्रांच लगी हुई है, तो इसका नाम है टू इथाइल वन ब्यूटीन। इसको ड्रॉ करो। ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दी मैंने आपको। इसके बाद जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें उसको समझना है और उस पर रूल अप्लाई करना है। ओके अब हम मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी। मैंने स्ट्रक्चर को रीराइट किया साइट और इसमें मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। उसको शेडेड कर दिया, बॉक्स में ले लिया मैंने कि हमने मार्क कर दी भाई ये लॉन्गेस्ट चेन है। पहले आप सबसे पहले चेन मार्क करते हैं। उस चेन के अंदर उन दो कार्बन का आना लास्ट है, जरूरी है, जिनके जेब में डबल बॉन्ड हो। स्टेप नंबर टू में हम क्या करते हैं, उस लॉन्गेस्ट चेन के नाम को पहचानते हैं। मतलब ये आपको लिखना तो नहीं है, आपको कम से कम पहचान होनी चाहिए कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन है उसका नाम क्या होगा। ये लॉन्गेस्ट चेन फोर कार्बन की है विद डबल बॉन्ड, तो ये ब्यूटीन होगी। हमने ये अल्किन्स के मेंबर्स इसलिए याद किए थे स्टार्ट में। आज हम अल्किन के नाम याद करते हो ये बात करते हो तो डिफिकल्ट होता है। अब आपको नाम याद होना चाहिए। फोर कार्बन विद डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ब्यूटीन। द लॉन्गेस्ट चेन इज नेम्ड एज अल्किन। जो चेन बड़ी चेन नजर आ रही है उसको अल्किन कहोगे। द लॉन्गेस्ट चेन इज नेम्ड एज अल्किन। तो मैंने इस चेन का नाम क्या दिया है? ब्यूटीन। ये पूरा आईयूपीएसी नेम नहीं लिखा मैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ब्रेक करके, और लास्ट में हम पूरा नाम कर देंगे। इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन की? फोर है, उनमें डबल बॉन्ड है, तो फोर कार्बन को ब्यूट कहते हैं, डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं, तो चेन का नाम क्या है? ब्यूटीन। इस चेन को ब्यूटीन कहेंगे हम। स्टेप नंबर थ्री, नंबरिंग करेंगे। इस चेन में नंबरिंग करेंगे क्योंकि लोकेट करना है डबल बॉन्ड कहां बना हुआ है। फोर कार्बन और डबल बॉन्ड किसने बनाया है? फर्स्ट ने बनाया है, सेकंड ने बनाया है, क्योंकि ब्यूटीन में तो आइसोमर्स भी होते हैं, तो इसलिए हम नंबर करेंगे यहां पे। वरिषा आपकी स्क्रीन शो इसलिए नहीं हो रही, आप मैं देख रहा हूँ मुस्तकिल आप इन आउट होती जा रही हैं ना, तो आपके अपने डिवाइस का प्रॉब्लम है, उसको जरा सही कीजिएगा। ओके अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग तो अल्कीन में डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच में प्रेफर किया जाता है। नंबरिंग के लिए अल्काइल या ब्रांच नहीं देखते। अल्केन में तो फंक्शनल ग्रुप नहीं था ना, इसलिए हम ब्रांच के अकॉर्डिंग नंबरिंग की थी। ब्रांच कहां से करीब है? या हम नंबरिंग किससे करेंगे? या हम नंबरिंग करेंगे, अब देखो हाफ एन आवर हो गया और ये स्टूडेंट जो है मुस्तकिल कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, तो सिर्फ वो स्टूडेंट जिसका इंटरनेट स्टेबल ना हो तो उसके यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होता है। ठीक है, इट्स अबाउट 9:30, मैं 5 मिनट का और रिलैक्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लास को लॉक कर दूंगा। अब हम एक बात को बहुत कॉन्सेंट्रेट होके डिस्कस कर रहे हैं और फिर ये गैर जरूरी बातें शुरू हो जाती है ना। अब साल मुकम्मल हो गया है, हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि नेट जो है वो लाइफ का एक बहुत अहम जुज बन चुका है, एलिमेंट है, उसके बगैर हमारी कई चीजें रुक जाती हैं, तो इसलिए इसको पे तवज्जो करें कि नेट आपको स्टेबल होना चाहिए। मे भी हो सकता है कि क्लासेस रिज्यूम करते हैं नहीं करते, कल की मीटिंग में अंदाजा होता है कि क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा। बहरहाल जनवरी का मंथ समझ लें कि आपका ऑनलाइन ही होगा ऑलमोस्ट।
तो इसमें आपको बहुत तवज्जो से क्लासेस को लेना है, क्योंकि नॉमिनल लिटरेचर पूरा हो जाएगा और उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 7 हाफ हो जाएगा, हाफ। तो समझ लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी जो बेसिक है ना वो हम कर चुके होंगे। उसके बाद तो फिर हमें टॉपिक को समझना और उसको कवर करना बहुत इजी हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 6 और 7 को अगर आपने डिटेल में स्टडी किया, हर एक बात को गौर से सुना, रिवीजन किया, प्रैक्टिस की, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी और आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करने में। तो इसलिए इन क्लासेस को बहुत तवज्जो से लीजिएगा। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं कि अल्किन्स में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन मार्क करते हैं, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो मार्क कर दिया। उस चेन को हमने नाम दिया, अगर वो 4 कार्बन है तो ब्यूटीन है, 5 है तो पेंटीन है, 6 है तो हेक्सीन है। अब वो डबल बॉन्ड कहाँ लोकेट करता है, उसका लोकेट डालना जरूरी है। ये इन जो है ना, इन डबल बॉन्ड, इसका लोकेट पैरेंट चेन से स्टार्ट में आएगा, पहले नंबर डालेगा कि किस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग नंबरिंग डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी कि डबल बॉन्ड कहां से करीब है, जिस एंड से डबल बॉन्ड करीब होगा नंबरिंग वहां से करेंगे। आप मुझे बताओ बेटा यहाँ पे कि इस स्ट्रक्चर में नंबरिंग कहां से करोगे, लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे? जल्दी से मुझे आंसर करें, रिप्लाई करें, लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे? सिर्फ ठीक है, कई लोगों ने आंसर कर दिया, मुझे पहले दो स्टूडेंट का था, कई लोगों का आंसर आ गया। यस ओके, सबका आंसर आ गया। ठीक है, ओके बेटा, आप यहाँ पे देखिए, डबल बॉन्ड दोनों एंड से इक्वल है। अगर आप देखो, मैं लेफ्ट से करता हूं तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन और थर्ड के दरमियान है, तो लोएस्ट नंबर के साथ उसको लोकेट किया जाता है। मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, या ये डबल बॉन्ड जो है दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे है। डबल बॉन्ड जिस एंड से करीब है नंबरिंग उससे कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों एंड से करीब है। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप दोनों एंड से इक्वल हो जाए, फिर हम ब्रांचेस को देखते हुए नंबरिंग करते हैं। ब्रांच कब कंसिडर करते हैं? जब इक्वल डिस्टेंस हो जाए मल्टीपल बॉन्ड का, फंक्शनल ग्रुप का, फिर देखते हैं कि ब्रांच कहां से करीब है नंबरिंग करने के लिए। अगर डबल बॉन्ड लेफ्ट कॉर्नर से करीब है एज कंपेयर टू राइट, तो ब्रांच देखे बगैर नंबरिंग हो जाएगी। ब्रांचेस को फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलाकर कब देखते हैं, ये बात याद रखनी है। ब्रांचेस को, एक मिनट जरा, अवेश आप क्लास में मौजूद है ना? अवेश, ये एक स्टूडेंट है, वरीषा, इनको नोट डाउन करें। ये पूरे तकरीबन 35 मिनट्स हो गए हैं मुस्तकिल अनस्टेबल है, ज्वाइन कर रही हैं। कल जरा इनको कांटेक्ट कीजिएगा, पूछिएगा क्या प्रॉब्लम क्या था इनका, उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा, मेरी बात सुन रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नंबर्स करने हैं, नंबरिंग करनी है चेन की। नंबरिंग क्यों करते हैं? लोकेट करने के लिए, कि मेरे स्ट्रक्चर के अंदर ब्रांच कहाँ मौजूद लोकेट करती है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ लोकेट करता है, क्योंकि उनकी लोकेशन चेंज होने से आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स बन जाते हैं, तो इसलिए इसको हमें लोकेट करना जरूरी होता है। तो मैं नंबरिंग करूंगा लेफ्ट से करूंगा इस स्ट्रक्चर में, राइट से करूंगा इस स्ट्रक्चर में। डबल बॉन्ड दोनों एंड से करीब होने के बावजूद मैं नंबरिंग राइट से करूंगा, लेफ्ट से नहीं करूंगा। राइट से इसलिए करूंगा कि डबल बॉन्ड राइट के सेकेंड कार्बन पे है और ब्रांच भी राइट के सेकेंड कार्बन पे है, इसलिए नंबर जो करेंगे वो हम राइट साइड से करेंगे, लेफ्ट से नहीं करेंगे। नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द डबल बॉन्ड, इसको कॉपी भी करेंगे, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द डबल बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है, फिर ब्रांच को देखते हुए हम नंबरिंग करते हैं कि वो किस एंड से करीब होती है। इसलिए इसकी नंबरिंग देखें मैंने राइट से की है, ये कार्बन नंबर 1 है, लेफ्ट का कार्बन नंबर 1 नहीं हो सकता है,
अगर आप करेंगे अगेंस्ट द रूल करेंगे। 2, 3, 4, 4 कार्बन की चेन है, हमने कहा था ब्यूटीन है, लेकिन इस ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कहां पे है? सेकंड पे, लेकिन राइट के सेकंड को हमने लिया है ब्रांच की वजह से। तो जब हम इसको ये नंबरिंग करते हैं तो अब ये पैरेंट चेन का नाम ब्यूटीन नहीं रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड का लोकेंड लग जाएगा, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटीन। डबल बॉन्ड को लोकेट कर दिया तो नाम क्या हो गया इसका? 2-ब्यूटीन हो गया। नंबर द चेन, नेम द लॉन्गेस्ट चेन, नंबर द चेन, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर दिया तो अब ये चेन का नाम क्या हो गया? सबसे पहले इसकी चेन को हम पहचान रहे हैं कि चेन कौन सी है, इज द 2-ब्यूटीन। उस चेन में हम डबल बॉन्ड को लोकेट कैसे करते हैं? इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय द नंबर ऑफ द फर्स्ट लोएस्ट नंबर। डबल बॉन्ड में जिसका जो कार्बन लोएस्ट नंबर पे होगा आप उससे उसको लोकेट करते हैं। अब आप स्ट्रक्चर में देखिए कि 2 और 3 दोनों डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। डबल बॉन्ड तो कार्बन नंबर 2 भी बना रहा है, कार्बन नंबर 3 भी बना रहा है। आप इंडिकेट किससे करोगे? आप डबल बॉन्ड को लोकेट किससे करोगे? जो लोएस्ट नंबर होगा। तो 2 और 3 में लोएस्ट नंबर क्या है? 2, तो इसलिए 2 से लोकेट किया जाएगा। तो यूं इस चेन का नाम बन गया 2-ब्यूटीन। अब ये प्रॉपर नेम हो गया। जब भी हम नेम करेंगे चेन का तो उसमें डबल बॉन्ड की लोकेशन के साथ नाम बताया करेंगे, सिर्फ ब्यूटीन कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ब्यूटीन दो किस्म के होते हैं। आप किस ब्यूटीन की बात कर रहे हैं? अगर मैं 1-ब्यूटीन कहूंगा तो डबल बॉन्ड 1 कार्बन पे, 2-ब्यूटीन कार्बन डबल बॉन्ड 2 कार्बन पे। रूल नंबर 4 के बाद रूल नंबर 5 पे हम आते हैं। अब हम बात करते हैं इस चेन के बाहर जो ब्रांच मौजूद है उनको मार्क करेंगे और उनको प्रीफिक्स में लिखा जाता है। अल्काइल ग्रुप्स एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स। अदर कौन है? अदर हैलोजन्स हैं, अमाइन हैं। अभी हमने हैलोजन्स को इसलिए लिया कि उसको अल्काइल हैलाइड में डिस्कस कर लेंगे। अल्काइल ग्रुप्स एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में क्या करते हैं हम? उनको हम नंबर करते हैं, उनको प्लेस करते हैं, उनको नेम करते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो हम अल्केन में कर चुके हैं, ये वाला काम हम अल्केन में कर चुके हैं। अल्केन वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा, कोई नई बात यहाँ नहीं होगी। सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, ब्रांचेस के लिए, अल्काइल ग्रुप्स के लिए हम वही जो कल काम कर चुके हैं वही करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे ब्रांच को मार्क करता हूँ, ये ब्रांच मैं मार्क करती हूँ। ये ब्रांच किस कार्बन पे आ रही है? सेकंड कार्बन पे आ रही है। अब मुझे जब नेम करना है नेम, तो पहला नाम किसका लिखते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच का नाम लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप का। जब मैं आईयूपीएसी नेम लिखूंगा तो क्या नाम बनेगा? 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। इस स्लाइड में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है उसको कॉपी कर लो, ठीक है? जितना भी इसमें कंटेंट मौजूद है उसको कॉपी कर लीजिए। टू मिथाइल टू ब्यूटीन। जब बेटा आप इसको कॉपी कर लो, मुझे डन कर रिप्लाई कर दो, तो मैं फिर इसको आगे मूव करूंगा। सब कॉपी कर चुके हैं, मुझे वेट तो नहीं करना किसी का। ओके बेटा मैं वेट करता हूँ, आप कॉपी कर लें पे मुझे रिप्लाई करें। अल्किन को अगर समझ लिया तो अल्काइन सिमिलर है, सिर्फ सफिक्स का चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं होगा। सेम रूल अप्लाई होगा जो अल्किन वाले हैं, सिर्फ सफिक्स में चेंज आएगा, बाकी किसी भी बात में चेंज नहीं आता है।
मुझे एक स्टूडेंट को वेट करना है, वो मुझे डन का मैसेज करें, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ओके बेटा, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, अल्किन्स हो गया, लेकिन इससे पहले मैं अगली बात करूं, कोई नई बात ऐड करूं इसमें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, आप उसका आईयूपीएसी नेम ट्राई करो क्या होगा। एक स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, इसका आईयूपीएसी नेम देखिए क्या होता है। मैंने एक सेक्शन ड्रॉ किया, इसका आईयूपीएसी नेम ट्राई करो क्या होगा। आपने कल की क्लास को बहुत तवज्जो समझा और रिवीजन किया है, तो ये बहुत इजी है, ट्राई करें। ट्राई करें और इसका आईयूपीएसी नेम मुझे रिप्लाई करें। वली इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, उसको जरा ट्राई देखो। मानूर, आपने ब्यूटेन कहा चेन को, ब्यूटेन नहीं है चेन, मिस्टेक है इसमें। और चेन में डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताना जरूरी है। वन बेटर नंबर में लिखेंगे ना, आपने वन वर्ड्स में लिख दिया। ओके गुड, ट्राई किया सबने, ऐसा ना आपने गलती की इसमें। देखिए मैं इसको पहले ओपन कर दूं, क्या आपने ये किया। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखें क्या आपने यूं इसको ड्रॉ किया था। आप अपने आंसर को टैली कीजिएगा, CH3, 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 CH3 डबल बॉन्ड CH2। स्ट्रक्चर को पहले ओपन किया था, ये तो हमने अल्केन में पढ़ा हुआ है। इसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है, आप लॉन्गेस्ट चेन लोकेट कर लेते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को हाईलाइट मार्क कर देते हैं, इसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग जो है फंक्शनल ग्रुप को देख के की जाती है, ब्रांच को देख के नहीं की जाती है। मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड किस एंड से नियरेस्ट है, नंबरिंग वहां से करेंगे। तो राइट का फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। जब मल्टीपल बॉन्ड दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो फिर ब्रांच को देखकर नंबरिंग की जाती है, तब ब्रांच देखी जाती है। मैंने ब्रांचेस को इसमें कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि राइट कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, लेफ्ट कार्बन से डबल बॉन्ड फार है, इसलिए। अब इसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स अल्काइल ग्रुप हैं, उनको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो पहला ब्रांच का लगी हुई है कार्बन नंबर 2 पे, फिर कहाँ लगी हुई है कार्बन नंबर 3 पे, फिर कहाँ लगी हुई कार्बन नंबर 3 में। तो नंबर दरमियान कॉमा आता है, उसके बाद हाइफिन, तादाद कितनी है 3, ब्रांच का नाम क्या है मिथाइल, इसके बाद हम बताते हैं 1 ब्यूटीन, 2 3 3 ट्राइमिथाइल 1 ब्यूटीन। जिन लोगों से थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी वो जरा इसको देख लीजिएगा।
कि ये इसका आईयूपीएन नेम है, 233 ट्राई मिथाइल 1 ब्यूटीन। ये अंदाज लिखना 1979 का है और 1993 में आकर थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया। आप यूँ लिख सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में यूँ दिया हुआ है, ठीक है। 30 ईयर्स से हमारी बुक तब्दील नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई, इसलिए आप अपने बुक के कंटेंट को फॉलो करेंगे, नहीं कभी भी नहीं लिखेंगे पहले, क्योंकि हमारे आईयूपीएन रूल में सब्स्टिट्यूशन को हमेशा पहले लिखा जाता है एज अ प्रीफिक्स, फिर हम पैरेंट चेन बताते हैं और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप होता है। मैंने कल की क्लास में स्लाइड में शेयर किया था आपसे कि सिस्टमेटिक जो क्या नाम है नेमिंग है कंपाउंड की, वो 3 हिस्सों पे है। सबसे पहले चेन नहीं होती, उसकी ब्रांचेस होती हैं, फिर चेन होती है और चेन का फंक्शनल ग्रुप आखिर में होता है। तो इस ऑर्डर को फॉलो करना होगा हमेशा हमें। मैं इसको एक और अंदाज से लिख रहा हूँ, एक बहुत आसान सी बात है कि अगर कहीं यूं लिखा हो तो आप बात समझ लीजिएगा। ये क्या है, 233 ट्राई मिथाइल ब्यूट 1 ईन। समझ में आया, ये जो डबल बॉन्ड है ना इसका लोकन 1 है तो उसके साथ लिखा जा रहा है ब्यूट 4 कार्बन के फर्स्ट पे इन मीन डबल बॉन्ड है, तो यूं भी लिखा जा सकता है। अगर यूं लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि ये नेम क्या है, मीनिंग क्या है इसके। आप अगर यूं लिखते हैं जैसे मैंने भी आपको समझाया यूं लिखते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको खुद लिखना है तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिखें, क्योंकि आपकी बुक में और आपके एग्जाम में इसी अंदाज से लिखा जाता है, लेकिन कहीं लिखा हुआ आता है 233 ट्राई मिथाइल ब्यूट 1 ईन तो इसकी मीनिंग समझना चाहिए, ठीक है। ये वाला नॉमेनक्लेचर जो है ये 1979 के रूल्स में है, 1979, और 1993 के अंदर थोड़ा ये चेंज कर दिया गया। ओके, अब मैं एक और रूल समझा दूं, उसके बाद फिर कुछ बुक के स्ट्रक्चर हैं उनको हम देख लेंगे। अब मैंने एक नाम लिखा हुआ है अल्काडाइंस, अल्किन्स की जगह अब अल्काडाइंस, मतलब चेन जिनमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। अल्काडाइंस की मीनिंग क्या है, अल्किन्स कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड, अल्किन्स कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स आर नेम्ड एज अल्काडाइंस। मिसाल के तौर पे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे आपको, एक सिंगल चेन है, कोई इसमें सब्सिट्यूएंट ब्रांच नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड 2 मौजूद हैं। इसका नेम क्या होगा, 1,4-hexadiene। देखिए आप जब चेन मार्क करते हैं, ये सिंगल चेन है, कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, डबल बॉन्ड 2 मौजूद है, जो एन के करीब है नंबरिंग उससे करेंगे। तो राइट का फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हेक्सीन नहीं होगा, हेक्सीन हेक्साडाइन होगा। अगर वर्ड लिखता हूं ना मैं हेक्सीन, इसका मतलब क्या होता है, 6 कार्बन विद अ डबल बॉन्ड, और मैं लिखता हूं हेक्सा डाइन, इसका मतलब क्या होता है, 6 कार्बन विद 2 डबल बॉन्ड्स। अब इसमें दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, एक डबल बॉन्ड कहां मौजूद है, कार्बन नंबर 1 पे, दूसरा डबल बॉन्ड कहां मौजूद है, कार्बन नंबर 4 पे, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4-hexadiene। डन, 1,4-hexadiene। यस, डाइन्स के मतलब है, डाई इज अ प्रीफिक्स मीन तादाद, टू इन मीन डबल बॉन्ड, अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो ट्राइन हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड है पूरी चेन में इन, 2 डबल बॉन्ड है डाइन, 3 है ट्राइन। अब मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, उसका आईयूपीएन नेम देखिएगा क्या होगा, CH3,
सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री। मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये सी एच होगा, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसका आईयूपीएक नेम ट्राई करो, आंसर नहीं कीजिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो, आप डन जब कह दोगे तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा यहां पे। ये सिक्स स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया इसको, ओके बाकी ट्राई कर लें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से ट्राई कर लें इसको, देख लें। डन, ओके ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कि ये हमने लॉन्गेस्ट चेन मार्क की है स्ट्रक्चर की, दो ब्रांचेस मार्क किए हैं, कौन सा डबल बॉन्ड एंड से करीब है, तो हम देखते हैं दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, डबल बॉन्ड दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो फिर ब्रांच को देखते हुए नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पहले ब्रांच का नाम आता है, तो पहली ब्रांच टू कार्बन पे है, दूसरी ब्रांच थर्ड कार्बन पे है, डायमिन टू मिथाइल है। इसके बाद हम डबल बॉन्ड के लोकेंट्स बताते हैं, पहला डबल बॉन्ड कार्बन नंबर टू पे है, दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर फोर पे है, टू फोर, कितने कार्बन है, सिक्स, हेक्सा डाइन, चेक कीजिए, यही स्ट्रक्चर, यही नेम लिखा सबने, यस, ओके गुड बेटा, ओके। आइए अब हम बुक के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से एक अभी मुझे करके बता दें, बाकी आप होमवर्क मार्क करेंगे। पेज 124 बुक जो है उसमें से फर्स्ट फाइव अल्केन के थे जो आप कर चुके हो, इसके बाद जो आपके रेमेनिंग जो है फाइव, ये सिक्स सेवन एट नाइन और पेज 125 का पहला जो है टेंथ, ये अल्केन्स के हैं, ये नाइन वाला जो है, नाइन वाला अभी सॉल्व करें, इस नाइन वाले को अभी नेम करें, अभी ट्राई करें कि इसका नेम क्या होगा। ये जो नाइन स्ट्रक्चर है इसको बेटा अभी सॉल्व करें, नाइन सॉल्व कर लीजिए, फिर मुझे बताइए ना। वन पे बेटा कभी ब्रांच नहीं होती, ये याद रखिएगा,
वन पे कभी ब्रांच नहीं होती, वन मिथाइल कभी नहीं हो सकता, ये बस याद रखिएगा। ओके गुड बेटा, ओके सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। मैं इसका नेम लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि आपने नेम ये लिखा 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल 3-हेक्सीन। टू थ्री फोर ट्राइमिथाइल थ्री हेक्सीन। अब जिनसे कोई मिस्टेक है जरा उसको एक नजर देख लीजिए, 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल थ्री हेक्सीन। डबल बॉन्ड 3 और 4 कार्बन दोनों ने बनाया है, तो लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन से डबल बॉन्ड को लोकेट करते हैं। 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल थ्री हेक्सीन। ओके डन, ठीक है। अब ये बाकी जो है इनको आपको होमवर्क या खुद करना है। ये 10th भी जो दिया हुआ है पेज नंबर 125 का फर्स्ट, ये भी आपको करना है, ठीक है। आओ हम रिकैप करते हैं आज के अल्कीन के टॉपिक को। सबसे पहली बात हम ये क्या करते हैं कि हमने क्या सब सीखा आज कि द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बॉन्ड्स इज सिलेक्टेड। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड है उसको सिलेक्ट की याद करते हैं। उसके बाद फिर हम व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ अल्कीन एड द सफिक्स इन इन द स्टेम रूट नेम ऑफ द कंपाउंड। पैरेंट चेन में हम नंबर ऑफ कार्बन के साथ इन का सफिक्स लगाते हैं। अगर 7 कार्बन है तो हेप्टा मीन 7, इन लग गया तो हेप्टीन हो गया। 5 कार्बन है तो पेंटीन हो गया, इन सफिक्स ऐड किया। अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा दफा आ जाए, ट्वाइस आ जाए इन द पैरेंट चेन, तो देन अल्कीन आर कॉल्ड डाइन। The numbering of atoms in parent chain is done in such a manner, in a such a way that the carbon atom containing the double bond gets the lowest number. जब हम numbering करते हैं parent chain में तो हम double bond को locate करते हैं lowest number of carbon से। इसके अलावा बाकी जो rules हैं ये सिर्फ different बातें थी, बाकी जो rules हैं वो वही हैं जो alkane में हमने पढ़े हुए हैं। ये हमारा अल्किन मुकम्मल हो गया। अल्काइन्स में सिर्फ एक सफिक्स चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं आता है, बाकी रूल वही होगा। इसलिए बहुत जल्द अभी हम इसको 5 to 10 मिनट्स में मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन है। अल्काइन्स को पढ़ेंगे हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 7 में। अल्काइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 ये है, डेफिनेशन क्या होगी? अल्काइन्स आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन एंड अल्काइन बोथ आर अनसैचुरेटेड। डिफरेंस क्या है कि वहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। वहां एक पाई बॉन्ड है या दो पाई बॉन्ड है, ये हाईली अनसैचुरेटेड है। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूं, ये अल्काइन्स होगा वर्ड, ठीक है, यहां इसको सही कर लेंगे अल्काइन्स। अल्काइन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n-2। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2। अल्काइन्स के जो पैरेंट चेन है नेम करते हुए सफिक्स में आइन ऐड करते हैं। अल्काइन का भी मेजर रिएक्शन एडिशन है। एडिशन एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड करते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं? और ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन तीनों थे, अल्केन भी है, अल्कीन भी है, अल्काइन्स भी है, इसलिए तीनों के अंदर एक प्रॉपर्टी कॉमन है, वो कौन सी है? कंबस्शन। ठीक है, बुक का एक सवाल है चैप्टर नंबर 7 में कि हाइड्रोकार्बन्स को आप कैसे पहचानते हैं? तो बाय कंबस्शन, कि तमाम हाइड्रोकार्बन्स कंबस्शन जरूर करते हैं। तो ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी तीनों के अंदर कॉमन है कि तीनों हाइड्रोकार्बन से।
इसके अलावा ये अनसैचुरेटेड पॉलीमराइज होगा। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथाइन पॉलीमराइज होकर बेंजीन बनता है। हम पॉलीमराइजेशन में एग्जांपल ले चुके हैं। अब पॉइंट ऑफ द डिफरेंस क्या है अल्कीन और अल्काइन्स में? तीनों प्रॉपर्टी सेम है। अभी अल्कीन में भी ये तीनों मार्क की थी आपने, अल्काइन में भी ये तीन है। पॉइंट ऑफ द डिफरेंस है वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन्स है। अल्कीन्स एसिडिक नहीं है, अल्काइन्स आर एसिडिक। यू हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं अल्कीन और अल्काइन्स का, और ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी एग्जाम में आता है। तो अल्काइन की एक केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो उसका एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन्स। ठीक है बेटा, ये चीजें सारी कॉपी करेंगे आप। इसके बाद सिस्टमैटिक नॉर्मल के जो हमें करना है अल्काइन्स में, वो ये है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया और इसका आईयूपीएसी नेम है 3-methyl-1-butyne। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरा एक थोड़ा टाइम लेके फौरन इसको कॉपी कर लो। जब ये कॉपी हो ओके, अब हम नॉर्मल क्लेचर की बात करते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे होगी। तो इसके लिए मैं वो स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अल्काइन्स की नॉर्मल क्लेचर अल्कीन जैसे सिमिलर है। एक स्ट्रक्चर लेकर हम इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर है, इसका नेम बताना है हमें। साथ साथ कॉपी करें, स्ट्रक्चर कॉपी कर लें और फिर हम इसका नेम करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले मार्क करते हैं, और लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जैसे अल्कीन था ना। फिर आप सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस मार्क करते हैं। इस चेन के अंदर कोई, आप देखें, अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिस एंड से करीब है नंबरिंग उससे ही होगी। ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट के फर्स्ट कार्बन ने बनाया है, तो हम फर्स्ट कार्बन से लोकेट करेंगे। 5 कार्बन की चेन को पेंटा कहते हैं। बॉन्ड ट्रिपल है तो पेंटाइन होगा। इस पेंटाइन का ट्रिपल बॉन्ड का लोकिन क्या है? 1। तो इसका नाम क्या हो गया? 1-pentyne। ओके, क्या नाम कर दिया हमने इसको? 1-pentyne। फॉरन कॉपी करें और फिर एक और स्ट्रक्चर देखिए। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब इसका भी हमें आईयूपीएसी नेम करना है। हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन पहले मार्क करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन वो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए कार्बन के दरमियान। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमने मार्क कर दी। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को मार्क कर देते हैं। जल्दी में नंबरिंग करके नेम नहीं कर देना है। देखेंगे हम नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, फंक्शनल ग्रुप की होती है। अल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं था, इसलिए वहां डायरेक्ट हमने ब्रांच का बात की थी। यहाँ कभी ब्रांच की बात नहीं करेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से देखा जाता है, और उसके बाद की जो फैमिलीज के फंक्शनल ग्रुप आएंगे उनको देखा जाएगा। अल्कोहलिक ग्रुप OH को देखा जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप को देखा जाएगा। तो यहाँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम देखते हैं कि वो किस एंड से नियरेस्ट है, लेफ्ट से या राइट से। तो हम देखते हैं राइट के सेकंड कार्बन पे, तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 4-methyl। ब्रांच को हमेशा पहले लिखा जाता है ना, ब्रांच को 4-methyl। अब पैरेंट चेन है पेंटाइन की, ऊपर वाली चेन भी पेंटाइन थी, ये भी पेंटाइन है। डिफरेंस क्या है? वो 1-pentyne है और ये 2 कार्बन पे डबल ट्रिपल बॉन्ड डाला हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा? 4-methyl-2-pentyne। उम्मीद है कि अल्काइन सबको समझ में आ गया होगा। डन, अल्काइन हो गया। सबने समझ लिया ना? यस, गुड बेटा, सबने समझ लिया। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया इसको। अब हम क्या नाम है, बुक में से कोई एक करते हैं। ठीक है, ओके, बुक में से ये 11, पेज 125 का 11 से लेकर 16 तक जो है,
इनमें से आप मुझे बताइए, नंबर बताइए, मैं कौन सा सॉल्व कर दूं, एक और सॉल्व करवाऊंगा, बाकी आपका होमवर्क होगा, ठीक है? एक आपको अभी नहीं करना, 13 नहीं करना अभी हमें ना, 13 अभी, 13 हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी एंड में करते हैं। इनमें से आप मुझे बता दीजिए कौन सा स्ट्रक्चर जो है जिसको करूं मैं, सॉल्व करूं। सबकी चॉइस डिफरेंट है और वो तकरीबन सारे को नाम ले लिए, तो सब तो मैं नहीं करा सकता। अब मुझे खुद सिलेक्ट करना है, मुझे कौन सा कराना है, ठीक है? मुझे खुद देखने दे, ठीक है, देखने दे मुझे कौन सा मुझे करवाना चाहिए। ओके, 16 में करवा देता हूँ, ठीक है, 16 में करवा रहा हूँ। कौन सा करवा रहा हूँ मैं, 16। अब ये 16 जो है ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? कोई एक करवा दूंगा ना मैं, बाकी फिर आप कर लोगे। 16 में करवा रहा हूँ आपको। इस 16 को पहले हम स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। फर्स्ट कार्बन कौन सा है, सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बन से। नेक्स्ट कार्बन कौन है, सी एच टू, सी एच टू साथ सी के साथ सी एच थ्री अटैच है, एक और सी एच थ्री अटैच है, और इथाइल को ओपन कर लो। ओपन, अगर आपने ओपन नहीं किया आप मिस्टेक कर लेंगे। ओपन कर लो, ओपन कर दिया। ये अल्केन के स्टार्ट में बताया था कि सबसे पहला काम क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन को ओपन किया जाता है, जो कंडेंसर्स को ओपन कर देते हैं, हर कार्बन को अलग कर देते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन देखना आसान हो जाए। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन हम मार्क करते हैं, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है वो मार्क करते हैं। मैंने इसकी लॉन्गेस्ट चेन को मार्क किया, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। तो बाहर निकलने वाले अल्काइल को हम हाईलाइट करते हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रांचेस होती हैं। नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से करीब है। इस लेफ्ट के फर्स्ट कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की ये चेन है, ये 1 हेक्साइन वाली चेन है। इस 1 हेक्साइन के कार्बन नंबर 4 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इसका आइसोटोपिक नेम क्या होगा, 4,4-dimethyl-1-hexyne, ठीक है? कॉपी कर लें इसको जल्दी से, बाकी बेटा आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। 4,4-dimethyl-1-hexyne, डाइमिथाइल नॉट इथाइल, इथाइल कहां पे है, 2 मिथाइल लगे हुए, CH3 CH3 इज अ मिथाइल, डाइमिथाइल, 4,4-dimethyl-1-hexyne, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, 4,4-dimethyl-1-hexyne, कॉपी हो गया। रेमेनिंग बेटा आपका होमवर्क है, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है? हम एक गैप देंगे कल की क्लास को, मैंने कहा था ना इसलिए कि ये तीनों का नॉमनक्लेचर और जो बेसिक आपने पढ़ा है अब तक उसका पूरा अच्छी तरह रिवीजन कर लें, आप चीजों को मेमोराइज कर लें, याद कर लें। अल्काइल के 8 जो नेम्स हैं कॉमन नेम वो याद कर लें। मिथाइल किसे कहते हैं, इथाइल कौन होता है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल 4 किस्म का होता है, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल। देन ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। अल्काइन्स के आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स को रीकैप करते हैं, मतलब ये सेम वही है जो अल्कीन्स के रूल्स थे, सिर्फ उसमें चेंज क्या आ रहा है, बॉन्ड का आ रहा है, डबल की जगह ट्रिपल हो जाता है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम आप वो सिलेक्ट करते हैं विच कंटेन आर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम बात करते हैं, जब आप नाम लिखते हैं चेन का तो सुफिक्स में आइन ऐड करते हैं, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाइन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसका देखें कि आईयूपीएसी नेम क्या होगा।
इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ठीक है, दो ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए मैंने स्ट्रक्चर के अंदर, जब दो डबल बॉन्ड थे डाइन था, अब दो ट्रिपल बॉन्ड है डाइन हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर की लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर दोनों ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। फिर हमने उसके अंदर ब्रांचेस मार्क कर ली, नंबरिंग करते हैं कि कौन सा ट्रिपल बॉन्ड एंड से नियरेस्ट है, नंबरिंग भी कर दी हमने। अब इसका नाम क्या होगा? फाइव फाइव डाइमिथाइल वन थ्री हेक्सा डाइन, फाइव फाइव डाइमिथाइल वन थ्री हेक्सा डाइन। कॉपी कर ले फॉरन को भी। ओके जब भी हम ट्रिपल बॉन्ड को लोकेट करते हैं तो लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम से करते हैं, और बाकी तमाम रूल्स अल्काइन में वही हैं जो अल्केन में होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को मार्क करना, उनको नाम करना, उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, वो सारे रूल्स वही हैं जो अल्केन्स वाले हैं। अब मैं बात कर रहा हूं उन कंपाउंड्स की जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो। अल्किनाइन का मतलब यह है कि अ कंपाउंड कंटेनिंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम में जो नॉर्मल क्लेचर आता है बेटा, वो सिर्फ ये आता है। इन तीन फैमिलीज को हमने पढ़ा ना, जब भी एग्जाम में नॉर्मल क्लेचर आया इन तीन फैमिलीज में से, तो ये वाला स्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। आप चेन को नंबर कैसे करोगे? स्टार्टिंग विद द एन क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप दैट अपीयर्स फर्स्ट। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो नियरेस्ट है आप नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नंबरिंग की बात करें, किसके अकॉर्डिंग करेंगे? मिसाल के तौर पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, नियरेस्ट कौन है? इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो बताएं नियरेस्ट कौन है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड? जो नियरेस्ट है नंबरिंग उससे करनी है। इसको जरा कॉपी के साथ में करेंगे बातों को, ठीक है? गुड बेटा, सही, सबने सही कहा कि ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट है। नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड को देख के मैंने कहा ये नंबर वन कार्बन है, ये नंबर टू कार्बन है, ये नंबर थ्री है, ये नंबर फोर है, ये नंबर फाइव है। अब इसका नेम क्या होगा? नेम देखो, पैरेंट चेन कौन सी है? पेंटा की है, पेंटा। ठीक है, पेंटा की चेन है। इस पेंटा की चेन में डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम ए को ड्रॉप करके सुफिक्स इन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? सुफिक्स इन ऐड करते हैं, तो ये पेंटा से लव्स क्या बन जाएगा? पेंटीन बन जाएगा। पैरेंट चेन हमेशा अल्किन कहलाएगी। डबल बॉन्ड की वजह से पेंटीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से पेंटाइन होगा, तो दो दफा पेंटीन और पेंटाइन नहीं लिखना। फाइव कार्बन को किसी एक के साथ ऐड करना है, डबल बॉन्ड से करना है, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड से करना है, चाहे नंबरिंग उससे हो रही है नहीं हो रही है। नेम हमेशा अल्कीन होगा पैरेंट चेन। पेंटीन में एक और सुफिक्स ऐड करेंगे, हाइफ़न के बाद लिखेंगे, वो कौन सा सुफिक्स है? ट्रिपल बॉन्ड आइन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की लोकेशन आप स्टार्ट में लिखते हैं कि कहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है, थर्ड कार्बन पे है, तो थ्री पेंटीन, और फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यूं इसका नेम का फॉर्मेट बनेगा थ्री पेंटीन वन आइन, थ्री पेंटीन वन आइन। इस एग्जांपल को याद रखें, थ्री पेंटीन
ओके 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 ओके, इसमें एक और बात जो रहेगी वो क्या है, थ्री पेंटीन, जब सेकेंडरी सुफिक्स ऐड करते हैं और वो वॉवल या वाई से स्टार्ट हो तो ये ई ड्रॉप करेंगे, ये ई कब ड्रॉप होगा, पेंटीन नहीं है, पेंटिन वन आइन, ई कब ड्रॉप करेंगे, जब सेकेंडरी सफिक्स जो ऐड हो रहा है, सेकेंड सफिक्स जो ऐड हो रहा है वो वॉवल या वाई से स्टार्ट होता है, तो हमेशा ये ई ड्रॉप किया जाएगा। देखिए मैं एक लफ्ज लिखता हूं पेंटीन, और इसमें मुझे ऐड करना है सुफिक्स ओल, तो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो ई ड्रॉप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पेंटिनोल। तो ये ऐड करना सुफिक्स को, इसको समझना है आपको क्या करना है, तो यहां थ्री पेंटीन का वर्ड पूरा नहीं होगा, ई ड्रॉप करके सेकेंडरी सुफिक्स हमने आइन ऐड कर दिया, तो ई रिटेन होना है या ड्रॉप होना है इसको जरा समझना होगा हमें, ठीक है। अभी सर बेटा इतनी वाली बात को समझें ना, डिफरेंट को डिफरेंट बातें स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले दोबारा सुन लें। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर एक चेन में मौजूद हैं, जितनी बात कर रहे हैं उसको देखें, दोनों चेन में मौजूद हैं तो देखिए कौन सा बॉन्ड नियरेस्ट है, नंबरिंग उससे करेंगे, नंबरिंग नंबरिंग की बात कर रहे हैं, नंबरिंग करिए मैंने ट्रिपल बॉन्ड से, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, नंबरिंग करने के बाद नेम लिखना है, तो नेम इज ऑलवेज अल्कीन, नाम हमेशा चेन का अल्कीन होगा। एक स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और सिक्स कार्बन है, तो हेक्साइन नहीं कहलाएगा, हेक्सीन कहलाएगा, तो पैरेंट चेन अल्कीन होगी हमेशा। अब उस अल्कीन की चेन में ईन का लोकिन क्या है वो आप मार्क करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को एज अ सेकेंड सफिक्स हम ऐड करते हैं विद लोकिन, उसका लोकेशन बताते हैं क्या है, तो ये इसका आईयूपैक नेम आप देख लीजिए कि ये आपको स्ट्रक्चर वाजे कर रहा है। थ्री पेंटिन वन आयन का मतलब क्या है, फिफ्थ कार्बन के थर्ड पे डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, थ्री पेंटिन वन आयन, ओके ये मैंने समझा दिया आपको। अब मैं एक स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं, इसका मुझे आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होगा, मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, अब मुझे बताएं इसका नेम क्या होगा, बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल होगा, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं अपने वक्त पर डिस्कस करूंगा, जितनी बात कर रहा हूं उतनी कर लें, पूरा लेक्चर सुनने के बाद सवाल किया करें, जब चीज रह जाती है फिर सवाल करते हैं ना, अभी करेंगे उसको, जो हम बात करेंगे ना फिर ये मिक्सअप हो रहा होगा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए आप अपना सवाल को होल्ड करें, रोक के रखें, जो मैंने सवाल दिया है उसको करें। मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया और मैं पूछता हूं कि मुझे इसका आईयूपीएसी नेम बताएं क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, हम नंबरिंग उस फंक्शनल ग्रुप से करते हैं जो नियरेस्ट हो, तो यहाँ नंबरिंग किससे करेंगे, डबल बॉन्ड को देखकर या ट्रिपल बॉन्ड को देखकर, जो करीब है, तो ऊपर का पॉइंट जो है वो आपने मेमोराइज करना, याद कर लेना है। बाकी लोग भी आंसर करें, मैं वेट कर रहा हूँ। यस यस, मैं अब इसका आंसर आपको हाईलाइट कर देता हूँ, वन पेंटिन थ्री आइन, इसको कॉपी कर लें, ये वाली बात कॉपी कर लें, और जो एक सवाल रह गया है बस वो अब हम डिस्कस करते हैं, पहले ये बात कॉपी कर लें, अब यह मिस्टेक नहीं करनी है आपको, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप जो नीरेस्ट है उससे करके हम नेम हमेशा अल्कीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड करीब था तो मैंने उससे नंबरिंग की, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से करीब था मैं डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर दी, आप मुझे डन का रिप्लाई करो तो मैं फिर आगे बात करता हूँ, वो ऊपर का पॉइंट भी नोट करना था आपको, वो भी लिखना था, हेडिंग भी नोट करनी थी, अल्किनाइन की बात कर रहे हैं और यही एग्जाम में आता है, इसलिए इस वाले को ज्यादा फोकस करना है।
पीछे जितना पढ़ा है वो बहुत जरूरी है, वो तो बेसिक है। आगे फैमिलीज के अंदर हमें ये वही चीजें को इस्तेमाल करना होगा। मुझे वेट तो नहीं करना ना किसी का, अगर वेट का कोई रिप्लाई करेगा तो मैं उसके लिए वेट कर सकता हूँ। ओके, सबने डन कर दिया ना मुझे। ओके, अब एक सवाल आया, और जाहिर है ये हमारा थर्ड केस है कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए तो हम डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफर करेंगे। जब दोनों इक्वल हो जाए तब डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफर करेंगे। लिखिए इसको इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, क्योंकि चेन तो अल्कीन कहलाती है ना, इसलिए अल्कीन कह रहे हैं। इफ अ सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑल आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, सब्स्टिट्यूएंट्स भी मौजूद हैं, डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, सारे मौजूद हैं स्ट्रक्चर में, एंड बोथ मल्टीपल बॉन्ड्स आर एट द सेम डिस्टेंस, देन फिर क्या होगा? एक ऐसा स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप ब्रांचेस भी है, उसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। ओके, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से करीब है नंबरिंग उससे करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से करीब है नंबरिंग उससे करेंगे, बट अगर बोथ आर एट द सेम डिस्टेंस देन क्या होगा? तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफर करेंगे, फिर हम डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफर करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर मैंने जो लिखा हुआ है इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स तो नहीं है, एक सिंपल सी चेन मैंने बना दी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी कार्बन नंबर वन पे है, ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन नंबर वन पे है, डबल बॉन्ड लेफ्ट का कार्बन नंबर वन है और ट्रिपल बॉन्ड राइट का कार्बन नंबर वन है। तो नंबरिंग हम जब इक्वल डिस्टेंस पे दोनों बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे जब इक्वल होगा। अब डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हुए आप इस चेन का नाम बताएं क्या होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट उसमें है ही नहीं। इस डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हुए नंबरिंग में आप इस चेन का नाम लिखें क्या होगा, मुझे बताइए, रिप्लाई करें। ठीक है, गुड बेटा, आपने सवाल भी किया था, अब आपको बात भी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सही है। बस थोड़ी सी बातें हैं, उनका ख्याल करते हैं, हाइफ़न कहाँ पे आएगा, ई ड्रॉप होगा या नहीं होगा, इन बातों का ख्याल करना होता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यस, अपने आंसर सब देख लीजिएगा, वन पेंटिन, पेंटीन नहीं होगा लव्स, ई को हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमारा सेकेंड सफिक्स वाई से स्टार्ट हो रहा है, वन पेंटिन फोर आइन, और ये बहुत कॉमन है, यही बहुत कई दफा एग्जाम में रिपीट हुआ है। यूं अल्केन अल्कीन अल्काइंस की नॉमेनक्लेचर मुकम्मल हो गई। अब पास्ट पेपर के जरा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, मैं इसका बेटा व्हाट्सएप कर देता हूँ, ये ना ये आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को मॉर्निंग 9 o'clock हम स्टार्ट करेंगे और होमवर्क से स्टार्ट लेंगे, ठीक है? ये मैं भी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया किस किस ईयर में ये स्ट्रक्चर्स आए हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह यहीं से इस होमवर्क से स्टार्ट लेंगे। अब कुछ चीजें और हैं, जरा उनको भी होमवर्क में ऐड करें ना। बुक खुलिएगा, बुक की मैं पेज नंबर बताता जाता हूँ आपको कि आपका होमवर्क क्या है। हमने ये टाइम कल का क्यों लिया है? मैं कोई बिजी नहीं हूं, आपको टाइम चाहिए जो पढ़ा है उसको अच्छे अंदाज से मेमोराइज करना ना, क्योंकि रोजाना हम कोई नई बात डिस्कस कर रहे होंगे तो इतनी नई चीजें को याद रखने के लिए टाइम भी चाहिए होता है। इसलिए कल की क्लास हमने एक ऑफ की है ताकि टाइम मिल जाए, आप अच्छे अंदाज से तवज्जो के साथ चीजों को मेमोराइज करें। अब बेटा बुक का पेज नंबर 160 खोलिएगा, होमवर्क मैं दे रहा हूं, बुक का पेज नंबर 160 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, और ये होमवर्क में जहां आपको प्रॉब्लम होगा
तो आप सिर्फ सवाल मेंशन करोगे और मैं उसको आंसर करूंगा, उसको डिस्कस कर लेंगे अगर प्रॉब्लम हुआ। अपने ओन करना है, मैं भी इसमें कोई डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं अल्केन अल्केन अल्काइन्स पढ़ा चुका हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू को ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर टू को, वहां नेम लिखे हुए हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, और टू का थ्री जो है थ्री वो आप ड्रॉप कर सकते हो, मतलब वो नहीं बना कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू का थ्री जो है नेम लिखा हुआ है डाईथाइल एसिटाइलीन, वो अगर नहीं बनता आपसे वो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपने करने होंगे। डन, इतनी बात समझ ली सबने? बेटा रिप्लाई करो ना, रिप्लाई करोगे तो मैं फिर आगे बात करूंगा। पेज नंबर 160 का क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू मैंने आपको होमवर्क दिया, गुड बेटा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब एक और गौर से बात सुननी है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका होमवर्क है, ये एक बहुत अहम सवाल है क्वेश्चन नंबर थ्री, जिसकी वजह से मैंने नॉम क्या नाम है आइसोमेरिज्म को थोड़ा डिटेल में करवाया था। क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट क्या है, ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के जितने भी आइसोमर्स हैं वो बनाएं एंड नेम देम बाय आईयूपीएसी सिस्टम। मैंने पेंटेन के अलावा हेक्सेन और हेप्टेन भी करवा दिया आपको, तो देखा पेंटेन हमारे सिलेबस में था, हम आगे हेक्सेन और हेप्टेन भी कर चुके हैं, तो आपको ए पार्ट में क्या करना है, पेंटेन के जितने आइसोमर्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। अब वो कितने हैं, हमने प्रैक्टिस की हुई है, हमें टिप्स पे याद होगा कितने हैं, और नाम भी याद हो जाने चाहिए हमें कौन से हैं, और उनके आयुपेक नेम लिखने हैं, आयुपेक नेम। और बी पार्ट भी सिमिलर है, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द फाइव आइसोमेरिक हेक्सेन्स, हेक्सेन के आइसोमर कितने होते हैं, तो यहां उसने मेंशन किया है कितने, फाइव होते हैं, और उनके आयुपेक नेम लिखने हैं। इसके अलावा एक और जो डिफरेंट आ रहा है ना, डिफरेंट ये तो आप पहले कर चुके हो, पेंटेन भी कर चुके हो, हेक्सेन भी कर चुके हो, एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे डिफरेंट चीज आ रही है वो आपको करनी है, एंड थ्री आइसोमेरिक पेंटाइन्स, पेंटाइन में तीन आइसोमर्स बनेंगे, तो आइसोमेरिज्म को यूटिलाइज करना है यहाँ पे हमें, जो पढ़ा हुआ है टॉपिक, और नॉमेनक्लेचर से हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है या नहीं है। पेंटाइन की बात कर रहे हैं, पेंटाइन में तीन आइसोमर बनने चाहिए, वो तीन कौन से, फाइंड आउट करेंगे आप, और उन तीनों के आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए, चैप्टर नंबर 7 अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये टॉपिक हम कर चुके हैं, इसलिए चैप्टर नंबर 7 में से ये सवाल जो है ये इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 1 2 3 ये तीन क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ओके, इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात कब होगी, ट्यूजडे मॉर्निंग में, वक्त की पाबंदी कीजिएगा, और अब इस बात को ध्यान में रखिए क्लास के 30 मिनट के बाद क्लास लॉक्ड हो जाएगी, उसके बाद आपको दोबारा एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या नाम है बार बार मुझे एडमिट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है कि मेरा मेरी मेरे जो क्या नाम है बात हो रही होती है वो बार बार रुकती है, और की आइडियाज होते हैं वो मतलब क्या नाम है कहीं मैं जोर दे के बात कर रहा होता हूँ तो वो रिदम टूट जाता है, इसलिए अब ये नहीं होगा, कोशिश करें। पहली चीज ये है कि अपने इंटरनेट को स्टेबल करें, अपने डिवाइस में गैर जरूरी हिस्ट्री मत भरें, इसको आप अलग कर लें सिर्फ अपनी एजुकेशन के लिए, ओके, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।